तुम जाओ, कल फिर से आ जाना। मानसी, कौन है ये? क्या बात कर रहे हो उससे? ये ना नया दूध वाला है। वो पुराना दूध वाला था ना, वो खराब दूध देता था, तो मैंने चेंज किया। पर ये भी मुझे दूध कुछ खास नहीं दे रहा है। 3 दिन से दूध दे रहा है तो डेली फट जाता है, तो वही शिकायत कर रही थी मैं इससे। हाँ भाई, दूध अच्छे से दे के जाया कर, वरना ना तुझे भी चेंज कर देंगे हम, ठीक है ना? आगे से कोई शिकायत ना है, अच्छे से दूध दे के जाइयो। अच्छा मानसी, मैं चलता हूँ, ठीक है? सच में फंसते फंसते बचे। अगर संदीप देख लेते तो बवाल हो जाता। इस टाइम कौन है? तुम एक काम करो, छुप जाओ, छुप जाओ। कहाँ? कहीं भी जाके छुपो, छुपो यार, वो जल्दी छुपो। अभी ऑफिस गए थे ना, वापस क्यों आए हो? अरे वो मैं ऑफिस का बैग भूल गया था, इसलिए वही लेने के लिए आया था। और क्या हुआ, तुम इतनी शॉक्ड क्यों हो? नहीं, मैं कहाँ शॉक हूँ। ठीक है, काम करो, तुम मेरे लिए पानी लेके आओ। थैंक यू, चलो मैं चलता हूँ, ठीक है? एक मिनट, ये दूध वाले का बर्तन यहाँ क्या कर रहा है? संदीप, दूध वाले का नहीं है, गलती से छूट गया होगा ना। गलती से? वो भी घर के अंदर? धोखा दे रही हो ना तुम मुझे, हैं? उसके साथ चक्कर चल रहा है ना तुम्हारा? मानसी, कब से कर रहे हो ये सब? नहीं संदीप, ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हें बहुत गलत लग रहा है। बस करो यार ड्रामे, जरूर तुमने उसको यहीं कहीं छुपा रखा होगा, देखता हूँ जाके। नहीं, फिर उसको और तुमको छोड़ूंगा नहीं। यहाँ छुपा हुआ है। ओए, कौन है तू? शक्ल दिखा अपनी। विक्रम भैया, आप एक बार बाहर आएंगे? क्या है ये सब, बताओगे मुझे? अब जब तुम्हें पता चली क्या है तो मैं पूरी सच्चाई बताती हूँ। एक्चुअली विक्रम भैया की ना जॉब चली गई है और वो इस टाइम पे बेरोजगार हो गए हैं। मुझे भी नहीं पता था इस बारे में। जब मैंने पड़ोसियों के घर पे भैया को दूध देते देखा तब मैं भी शॉक्ड रह गई, और जब मैंने पूछा इनसे तब इन्होंने बताया कि इनकी नौकरी नहीं रही है अब। बस तभी से मैंने भैया को डेली यहाँ बुलाना शुरू कर दिया, जिससे कि मैं थोड़े थोड़े पैसे देके इनकी मदद कर सकूँ। और मैंने बोला भी था भैया को कि भैया हम अगर ये बात संदीप से शेयर करेंगे तो वो हमारी मदद करेंगे, पर भैया ने बोला कि नहीं, ऐसे अच्छा नहीं लगता, मत बोल, तो हमने ये बात आपसे छुपा के रखी। हिमांशी, इतना कुछ चल रहा था और तुमने मुझे बताया भी नहीं, मुझे पराया समझते हो क्या? ये अगर तुम्हारे भैया है ना तो मेरे भी भैया है, तुम्हारी फैमिली मेरी फैमिली है, और अगर तुम्हारी फैमिली पर कोई मुसीबत आई है ना तो वो मेरे ऊपर आई है, और मेरा पूरा पूरा फर्ज बनता है कि वो सारी की सारी मुसीबत खत्म मैं करूं, समझे? पर तुम लोगों ने ना मुझे अपना समझा ही नहीं, इसलिए शायद मुझे बताया भी नहीं। और भैया, आप तो बड़े थे ना, आप तो बता सकते थे कि आप लोगों के साथ क्या चल रहा है। और भैया, आप इतने अच्छे खासे पढ़े लिखे हैं, आपको ये काम शोभा नहीं देता। मैं काम करता हूँ, ऑफिस जाके कोई जॉब देखता हूँ आपके लिए। पर हाँ, आगे से आपको कोई भी परेशानी हो ना तो आप मुझे बताना। मान जी, तुम भी जी। चलो ठीक है, अब मैं ऑफिस जा रहा हूँ, और भैया का ध्यान रखना।